हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर टुडेज टॉपिक इज सॉरी एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ओनरशिप। 2.1 में आपने स्टडी किया था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, और 2.2 के स्टार्टिंग में हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स जाने हैं, फीचर्स उसके जनरल और स्टेटरी फीचर्स, उसका इवेल्यूएशन हमने स्टडी किया। अब डिफरेंस अगर हम देखें आपके पास आपके सोल ओनरशिप में और आपके पार्टनरशिप में, तो क्या क्या डिफरेंसेज हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50, बट सोल ओनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स का ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे एक सोल इंडिविजुअल ही आपका जो हो है वो सारा ही ओनरशिप में उसके अंडर रहता है और कंट्रोलिंग भी उसी के अंडर रहता है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में झगड़ों से बचा जा सके। सोल ओनरशिप के केस में एज सच कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सोल इंडिविजुअल है, वहाँ पे वो अकेले से खुद से तो झगड़े नहीं करेगा। थर्ड है एक्ट। पार्टनरशिप के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सोल ओनरशिप के लिए एज सच कोई भी एक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, आपके पास पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, बट वो यूज़फुल होता है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया है तो अच्छा होता है, बट आपके सोल ओनरशिप के लिए एज सच कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मैनेजमेंट, सॉरी एक पॉइंट हमारा छूटा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जितने भी हैं, लॉस का ना हो करके बट प्रॉफिट का शेयरिंग होना कंपलसरी होता है। अब आप कहेंगे मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि लॉस का नहीं प्रॉफिट का शेयरिंग होना कंपलसरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो आप उसमें जानेंगे कि कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयरिंग रखते हैं, लॉस में शेयरिंग नहीं रखते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट में शेयरिंग होना ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है पार्टनरशिप में, बट सोल ओनरशिप में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि वो आपके किसी से प्रॉफिट या लॉस शेयर करेगा। जितना भी बर्डन है वो सारा बर्डन आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके सोल ओनर के ऊपर ही आता है। मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स या एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे मैनेज करता है, और सोल ओनरशिप में अल्टीमेटली जो मैनेजर है वो एक ही पर्सन होता है, दैट इज सोल इंडिविजुअल। कैपिटल की बात करें आपके पास, तो आपके पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स मिलकर के पैसा लगाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, बट सोल ओनरशिप के केस में ये एक लिमिटिंग पॉइंट है, और आपके पास आपकी जो कैपिटल है वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही लगाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप में आप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आप अपना स्टेक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, बट सोल ओनरशिप को वो आपके सोल ओनर की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, वो जब चाहे अपना बिजनेस सेल आउट कर सकता है। तो ये थे हमारे पास आपके डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ओनरशिप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं, फुल फ्लेज एंड नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। जब हम फुल फ्लेज पार्टनर्स को स्टडी करते हैं, फुल फ्लेज ऐसे पार्टनर्स जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर करेंगे, और उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी होगी। बट नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक स्पेशल पर्पस के लिए साथ में आते हैं। अब वो आपके पास क्या स्पेशल पर्पस होता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फुल फ्लेज पार्टनर्स में आपके सिर्फ 3 पार्टनर्स हैं। सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स जो आपके पैसा भी लगाएंगे, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि पार्टनरशिप में, आपके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर करेंगे, और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी रखते हैं, मतलब ये पार्टनरशिप को पूरा मैनेज करते हुए चलते हैं। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, नाम से क्लियर है, स्लीपिंग सो रहे हैं, यानी कि पैसा तो लगाएंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके पास शेयर करेंगे, बट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है पार्टनरशिप की एडमिनिस्ट्रेशन में। बस इनका काम होगा कि पैसा लगा दिया हमने,
हमारी साइड से जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस का शेयर बनता है वो दे दो, और ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रखेंगे, यानी कि लॉस के केस में इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी चीजें आ सकती हैं। सीक्रेट पार्टनर्स, कई बार पार्टनरशिप में हम ऐसे पार्टनर्स भी बनाते हैं जिनका रिलेशनशिप हम पब्लिक के साथ रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स जिनका रिलेशन पब्लिक के साथ रिवील नहीं किया गया है वो पार्टनर्स कहलाते हैं आपके पास, आपके सीक्रेट पार्टनर्स। तो आपको ध्यान रखना है फुल फ्लेज पार्टनर्स में तीन ही टाइप हैं, एक्टिव, स्लीपिंग एंड सीक्रेट पार्टनर्स। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स जिसमें वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए साथ आए हैं, तो सबसे पहला आता है नॉमिनल पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो नाम के लिए साथ में आया। अब आप कहोगे मैम ऐसा कौन पर्सन होगा जो हमारे पार्टनरशिप में सिर्फ नाम के लिए शामिल हो रहा हो, तो इसमें आप फादर एंड सन का रिलेशनशिप देख सकते हैं कि आपके पास अगर सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अपने फादर की गुडविल लेना चाहता है, गुडविल के चलते आपका प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसके फादर का नाम है मार्केट में, तो वो अपने पापा को, अपने फादर को नॉमिनल पार्टनर बना लेगा कि सिर्फ आपके नाम से मेरे बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है, तो वो पार्टनर कैसे कहलाएंगे, नॉमिनल पार्टनर। और उनके फादर को अपने सन से अटैचमेंट भी होगी तो इसलिए वो साथ में आएंगे भी उनके। तो ऐसे पार्टनर्स जो सिर्फ नाम मात्र के लिए साथ आए हैं बिकॉज ऑफ सम स्पेशल अटैचमेंट विद द पर्टिकुलर पर्सन, वो आपका कहलाता है आपका नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, ऐसे पार्टनर्स जो अपने बिहेवियर से ये शो करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ। जैसे मैं किसी पार्टनरशिप में विजिट करूँ, मैं उनके मैटर में जाकर के एडवाइस करूँ, मैं उनके लीगल मैटर्स में जाकर के इन्वॉल्वमेंट दिखाऊँ, और अगर मेरे इस बिहेवियर को देखने के कारण कोई बाहर का पर्सन ये सोचे अच्छा ये तो पर्टिकुलर आरजू मैम तो यहाँ पे पार्टनर है तो हम मैम के बिहाफ पे लोन दे सकते हैं, अगर मेरे बिहेवियर के कारण कोई थर्ड पार्टी उस पार्टनरशिप को लोन दे रही है तो फ्यूचर में आई विल बी लायबल टू पे ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन। ये होता है पार्टनर वाइज स्टॉपल और होल्डिंग आउट, ये बहुत ही आपके कम होते हैं ऐसे पार्टनर्स, बट अपने बिहेवियर से जो लोग शो करते हैं कि मैं पार्टनर हूँ एक पार्टनरशिप फर्म में, तो ऐसे भी लोग आपके पास आपके पार्टनर्स होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी जो है वो आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित है, आपके पास यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी इनकी, और इनका लिमिटेड सिर्फ स्टेक जो है आपका लॉस जो होगा वो सिर्फ इनके इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही आपके सीमित रहेगा। नाम से क्लियर है लिमिटेड पार्टनर्स, और हमने पढ़ा भी था लिमिटेड पार्टनरशिप में एक ऐसा पार्टनर होना जरूरी है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज जरूर हो। नेक्स्ट आता है माइनर पार्टनर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी 18 साल से कम उम्र हो। सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ऐसे प्रोविजंस रखता है जिसमें माइनर पार्टनर एक पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है जब सभी पार्टनर्स एग्री कर गए हों तभी। माइनर पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर रखता है, उसका लॉस में कोई भी शेयर नहीं होता है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, आपका ऐसा पार्टनर जिसका सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज रहेंगी इसकी और आपके लॉस में शेयर नहीं करेगा। माइनर पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में देखिए क्या डिफरेंस है, दोनों ही पर्सन आपके सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेंगे, माइनर पार्टनर का भी लॉस में शेयर नहीं होता, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का भी लॉस में शेयर नहीं होता। आपके पास बस डिफरेंस क्या होगा, माइनर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है बट पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट मीन्स इन केस ऑफ लॉस आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है ऐसे पार्टनर की जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है। तो आज हमने स्टडी किए टाइप्स ऑफ पार्टनर, फुल फ्लेज में तीन और आपके नॉट फुल फ्लेज में पांच टाइप्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नॉमिनल नाम के लिए साथ आएगा, पार्टनर वाइज स्टॉपल होल्डिंग आउट अपने बिहेवियर से शो करता है, लिमिटेड पार्टनर्स जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होता है उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट तक, माइनर पार्टनर 18 साल से कम उम्र वाला पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा रखता है, एक्टिव जो सारी चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व है, पैसा लगाना, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करना, अनलिमिटेड लायबिलिटीज रखना। स्लीपिंग पार्टनर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स इनका रिलेशन पब्लिक से रिवील नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।